हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इन टुडे का इच्छेवान जुबसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जो मार्केट में हमने एक गिरावट देनी थी आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, मैंने आपको एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी दी थी बैंक निफ्टी के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 30,500 की पुट आपको बाय करनी है जिस टाइम वो 30,900 का लेवल को ब्रेक करती है। तब अराउंड हमने जब देखा था कि वो 108 रुपये के आसपास चल रही थी जब ब्रेक करा था, और अगर आपने उसे बाय करा होता तो आपको उसका दुगना यानी कि 200 रुपये का मेरा टारगेट था, जो कि अचीव हो गया था। 198 पॉइंट समथिंग का हाई मारा था इसने। सो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट जाके टारगेट बिल्कुल अचीव हुआ था। सो आपने अच्छा खासा अर्न कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये गिरावट आई थी, जो निफ्टी 10,800 तक गया था और जो बैंक निफ्टी 30,600 तक गया था, क्या वो उसका एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है कि और गिरावट भी आ सकती है वहां से? और हमने देखा था कि मार्केट पे ये रिवर्सल जो आया था, वो रिवर्सल आने के पीछे क्या मार्केट अब और ऊपर जा सकती है कि 12,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो आज हम चार्ट को एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के। सबसे पहले हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, स्टॉक्स में किस तरीके से हमें ट्रेड लेकर चलना। हिंद पेट्रो दोबारा आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है, आपको पिछले कल के स्टॉक्स में भी दी थी। आज आपको जो बाय करना था, 311 का जो टारगेट था हमने जो आपको दे रखा था वो अचीव हो गया था, पर अब मुझे लगता है कि हाई लेवल्स और आ सकते हैं हिंद पेट्रो के अंदर, तो दोबारा बाय करने की सलाह दी जाएगी। आईसीआईसी प्रूफ, बर्जो पेंट्स, हेवेल्स, कैन फिन होम्स। हिंद पेट्रो 309 की क्लोजिंग है, बाय करने की सलाह दी जाएगी। करंट मार्केट प्राइस पे या 310 पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। 314 का आपका टारगेट है, 321 का आपका नेक्स्ट टारगेट है, जो कि 3 दिन के अंदर हमें अचीव होते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस के अंदर 301 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दोबारा कह देता हूँ, क्लोजिंग बेसिस के अंदर 301 का टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए। आईसीआईसी प्रूफ, सेल करने की सलाह दी जाएगी। मार्केट में हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक जो बहुत ऊपर बढ़ चुके हैं, वहां से अब एक थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। सो हम देख रहे हैं कि अगर फिबोनाची के थ्रू अगर हम इन इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को एनालाइज करने की जरूरत करें, सो थोड़ी बहुत माइनर करेक्शन हम इसके अंदर देख सकते हैं कि आ सकती है। सो टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 357, 352 का आईसीआईसी प्रू के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 366 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट्स शॉर्ट करने की सलाह मैं अब आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो लेवल लगता है, इस लेवल से लगता है कि यहाँ से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बर्जर पेंट्स को शॉर्ट करने की। टारगेट जो आपको दिया जा रहा है वो 325, 321 का दिया जा रहा है। स्टॉप लॉस आपको 334 का रखना पड़ेगा, पर आपको शॉर्ट पोजिशन कभी इनिशिएट करनी है जब ये 328.80 पे ट्रेड करना स्टार्ट करे या उसके नीचे जाना स्टार्ट करे। सो आप इस पर अपनी स्टार्टिंग या सेलिंग पोजिशन को इनिशिएट कर सकते हैं। हेवेल्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से इसने रेंज बाउंड एक रेंज पे ये ट्रेड कर रहा था, और रेंज पे हमने देखा था कि इस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट देखने को मिला है वहां पर, हम देख रहे हैं कि सस्टेन तो नहीं कर रहा है, पर सस्टेन करने का जो लेवल है वो 785 है। अगर हेवेल्स कल आपको 785 के ऊपर मिल जाता है और उसके ऊपर सस्टेन कर देता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 797 का होगा, और हो सकता है ये 805 के लेवल तक भी जा सके हेवेल्स 2 दिन के अंदर। स्टॉप लॉस 775 का आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ये आपको 775 मिनिमम तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा हेवेल्स के अंदर। कैन फिन होम की बात करें, आप वेट करिए, एक्चुअली ये हेवेल्स नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी, आप अभी से हेवेल्स समझ के चलिए। कैंफेन होम्स सेल करने की सलाह दी जाएगी, टारगेट 347, 341 का है। स्टॉप लॉस हम देखेंगे 355.6 का, आपको मेंटेन करके कैंफेन होम्स के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अब मुझे लगता है सेलिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। सो कैंफेन होम एक शॉर्ट पोजीशन है जो हम इनिशिएट करके चल सकते हैं। मैंने आपको जो एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी की दी थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने आपको कौन सी बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी थी। आप देख सकते हैं 30,500 की पुट बाय करने की आपको सलाह दी गई थी 100 रुपये में, जिसका टारगेट 210 का था। हमने देखा 198 का हाई मारा था, पर आप लोग समझदार होंगे तो कि अगर आप पूरे टारगेट के लिए वेट ना करें और आप जल्दी निकल गए होंगे। सो गाइस, अभी फिलहाल कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नहीं दी गई है। जो आपको मैं पिछली वीडियो में लेवल्स बता चुका हूँ, उस लेवल के ऊपर या नीचे निकलता है तभी आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी में वर्क करना पड़ेगा और तभी आपको वो कॉल्स प्रोवाइड होंगे। सो हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। वैसे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि एक बुलिश पीन एंड पैटर्न इसने फॉर्म कर रखा है। बुलिश पीन एंड पैटर्न आप देख सकते हैं,
अब हो गया है कि पिन एंड पैटर्न के नीचे जाके इसने आज ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने ट्रेड करना शुरू करा था, जो कि आप खुद देख सकते हैं कि इसका लेवल था। अब मैं आपको आली चार्ट में लेकर जाना चाहूंगा, फिर आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 30,900 का लेवल, आप देख सकते हैं कि इसने उसके नीचे क्लोजिंग दी थी आसपास। और मैंने आपको कहा था कि अगर इस बॉटम को, इस पर्टिकुलर बॉटम को वो ब्रेक करता है, तो आपको इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी होगी। और जो टारगेट्स हैं वो हम 30,400 तक के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसका 200 डे EMA था। पर गाइस हुआ ये, इसने यहाँ से रिवर्सल दिया। आपने देखा था मार्केट के अंदर जो एक रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद हमने देखा कि वो जो इसकी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, जो इसने ब्रेक करी थी, वो इसका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर रही है। अब हमें कब ट्रेड लेना है गाइस? हमें ट्रेड लेना है जब ये पर्टिकुलरली 31,150 के लेवल के ऊपर जाके क्लोज करती है, और उसके बाद ट्रेड करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 37,700 या 31,500 का होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे कि कल हम देखते हैं कल मार्केट खुलता है, कल मार्केट खुलने के बाद एक कैंडल बनती है और वो कैंडल 31,150 के ऊपर चली जाती है। अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक इसके इंडेक्स इसके ऊपर जाके क्लोज दे देता है, आसपास भी क्लोज देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 31,500, सेकेंड टारगेट होगा 31,750, जो कि इसका सब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जो अपर पीनेट की ट्रेंड लाइन है। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से ही इसने रिवर्सल क्यों दिया। आप देख सकते हैं इस टाइम पे इसने एक गिरावट आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये पर्टिकुलर स्टॉक था जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों के बॉटम मैच कर रहे हैं, कोई भी सिमिलर, बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी है। 30,638 का लेवल है, 30,638 का लेवल है, बिल्कुल वहां से ये इसने रिवर्सल दिया था। शायद हो सकता है कि ये एक डबल बॉटम हम कह सकते हैं, एक ज़्यादा खास डबल बॉटम नहीं है, पर ये डबल बॉटम का आली चार्ट में काम कर सकता है। तो आप अगर इसका स्टॉप लॉस मेंटेन मार के भी अगर इसको बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, या अगर आपको थोड़ी बहुत डिप मिलती है तो अगर आप बैंक निफ्टी को बाय करके चलेंगे, सो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 31,200, 31,500, 31,750। पर बैंक निफ्टी पे आपको शॉर्ट पोजीशन कभी इनिशिएट करनी है जब ये इस पर्टिकुलर बॉटम को ब्रेक करता है, तभी आपको इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी है, वरना अब आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इनिशिएट नहीं करनी है। अब हम निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न डेवलप हो रहे हैं निफ्टी के अंदर। जी गाइस, तो निफ्टी पे भी आपको देख सकते हैं, खुद मैं डेली चार्ट्स में लेकर जाता हूँ। जी गाइस, तो आप डेली चार्ट्स में देख सकते हैं कि ये भी अपने एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है पूरे टाइम। एक एक ये लॉन्ग टर्म चैनल है, और उस चैनल के अंदर एक और चैनल इस पर्टिकुलर ने बना रखा है जो कंसोलिडेशन का काम कर रहा है, हम कह सकते हैं। ये चैनल आप देख सकते हैं, मैं इसको लाइन को अभी हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक अपर रेजिस्टेंस चैनल है और ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन की चैनल है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इस चैनल पे ही इसने लो मारा और यहाँ से इसने एक अपमूव दिखाई थी निफ्टी ने। सो क्या कर सकते हैं, क्या ये दोबारा ये चैनल जो है अब वो अपर चैनल की तरफ निफ्टी बढ़ना शुरू करेगा, जो कि 12,122 या 12,150 का लेवल है, और शायद ये दोबारा न्यू हाई भी बना सकता है निफ्टी। सो अब हमें किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं आपसे यही सलाह लूंगा कि जब तक ये चैनल को ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट नहीं करना, और अब आपको इन दोनों पोजीशंस में लॉन्ग करके चलना है। लॉन्ग की पोजीशन आप इनिशिएट करके चलेंगे तो आपको टारगेट्स इस चैनल के थ्रू पता चल गए हैं कौन से चैनल है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आली चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, दूसरी बार इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ कंसोलिडेट करा। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। सो ये दोनों ट्रेंड लाइन जो मैच कर रही है, उस पॉइंट से ही इसने रिवर्सल दिया है, और ये रिवर्सल जो इसने दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने एक सपोर्ट का काम करा है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ने एक इसका सपोर्ट का काम करा है, जहां से हमने एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करा है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हमें कब बाय पोजीशन बनानी है, आप देख सकते हैं कि 50 EMA का टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक थोड़ी बहुत गिरावट और आ गई थी। अब यहाँ से हो सकता है कि दोबारा ऊपर चले जाए, नीचे जा सकता है, पर आपको इसमें बाय पोजीशन इनिशिएट करनी है जब ये 11,950 के ऊपर जाके ट्रेड करता है। सो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 11,12,045 या 12,075 का होना चाहिए,
और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 12,125 का होना चाहिए। सो मैं आपसे सलाह यही लूंगा कि आप दोनों में बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन के थ्रू आप ट्रेड करके चल सकते हैं। हाई लेवल्स पे 20 जून की आप एक्सपायरी को ट्रेड करके चल सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स पे। सो ये 5 स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पर्टिकुलर जो आपके लिए इंडेक्स की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा क्योंकि गाइज मार्केट अभी आपको मौका नहीं देगी। क्योंकि होता ही है गाइज कि पर्टिकुलर स्टॉक जो हम एनालाइज करके रखते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, जो हमें लगता है कि कल हमें जाके हम प्रॉफिट या हम उसमें बाय या सेल पोजीशन इनिशिएट करेंगे, वो होता नहीं है क्योंकि एक्चुअली वो पर्टिकुलर स्टॉक गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, सो हम उसमें ट्रेड नहीं कर पाते। और अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक गैप अप हो जाता है, हमारा टारगेट फॉर एग्जाम्पल 311 का, अगर हम हिंद पेट्रो की बात करते हैं, आपको हिंद पेट्रो मैंने 306 पे बाय करने की सलाह दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ 311। हमने देखा था वो 303 पे हमने बाय करने की सलाह दी थी, वो 306 पे खुला ही था। अब किस तरीके से हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी वर्क करें, क्योंकि हमारा टारगेट जो हमारे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो 311 है। अगर 311 के ऊपर ट्रेड करता तो हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे हमें फायदा होता। पर गाइस जिस तरीके से हम हिंद पेट्रो की बात कर रहे हैं, वो तो एक अलग एक्सेप्शन है क्योंकि वहां पर एक और अप मूव दिख सकती है। पर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं, हम उस पर ट्रेड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आज इंडसइंड बैंक ने, पर इंडसइंड बैंक ने अगर गैप डाउन में भी हमारा जो टारगेट था वो हमें अचीव हो गया था, जो पर्टिकुलर स्टॉक्स मैंने अपने क्लाइंट्स लिए रखे हुए थे, उसके नीचे भी वो बहुत चला गया, पर कोई बात नहीं है क्योंकि हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। हमारा जो टारगेट है हम उस टारगेट तक ही उसमें वेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डिविस लैब, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ डिविस लैब पे भी आप एक बाय पोजिशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन के थ्रू आप सेफर बेट के थ्रू आप 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर की कॉल ऑप्शन को बाय करके चलेगा, जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस है उसका। मुझे लगता है कि वो आपको थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर देकर चली जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है और वहां से एक अपमूव आ सकती है, और वो अपमूव उसे 60-70 पॉइंट तक की रैली दिलवा सकती है। सो डिविस लैब पे भी आप कल फोकस करके चल सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी गैप अप गैप डाउन के बारे में, सो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड से निकले हर दिन, यही मेरी शुभकामना है। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।